पिछले भाग में आपने देखा कि एक गांव के विकास का निरीक्षण करने के लिए शहर से वीडियो साहिबा वहां पहुंचती हैं। उनके आने पर वहां बच्चों की भीड़ लग जाती है। वहां के मजदूरों से बात करने पर वीडियो यानी रमिया को हैरानी होती है कि उन मजदूरों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। एक मजदूर धनीराम को देखकर वीडियो को अपना बचपन याद आ जाता है और वह अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसके माँ बाप भी उसे स्कूल नहीं भेजते थे। तभी उसके पिता याद करते हैं कि उनके अनपढ़ होने की वजह से किस तरह फैक्ट्री मालिक ने उन्हें धोखा दिया। उसी समय आया डाकिया भी उन्हें रमिया को पढ़ाने की सलाह देता है। रमिया की जिद और इन सब बातों से उसके माता पिता के विचार बदल जाते हैं और वह रमिया को पढ़ाने का मन बना लेते हैं तथा स्कूल में उसका दाखिला करा देते हैं। रमिया भी स्कूल में जी जान से मेहनत करके अपनी अध्यापिका का दिल जीत लेती है। अब देखिए उसके आगे। वीडियो साहिबा ने सरपंच से गांव में हो रहे विकास के बारे में भी पूछा तो सरपंच ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में गांव में विकास हो रहा है। कृषि के नए नए उपकरण आए हैं और वैज्ञानिक विधियों से खेती हो रही है। किसानों और अन्य ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार हुआ है और उनमें जागरूकता आई है। अगर कमी है तो सिर्फ शिक्षा की। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, अरे किसके घर से आवाज आ रही है? मैडम, वो गोविंद के घर से आवाज आ रही है। इसकी बड़ी बिटिया की शादी है ना? अच्छा। वो 12 साल की हो गई है। 12 साल की उम्र में शादी? सब तो मेरे साथ भी हुआ था। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः, दो चकु आठ, दो चकु आठ, दो पंजे दस, दो पंजे दस, दो छिका बारह, दो छिका बारह। Thank you.
पढ़ भी पाएगी या नहीं? क्या मतलब? चल पता चल जाएगा। अम्मा ज्यादा कहा बताएं, बस इतना समझो कि अपनी बिटिया बड़ी होनहार। हाँ लो आ गई। जीती रहे जीती रहे बिटिया जीती रहे भाई। राम दीन। हाँ बिटिया बड़ी हो गई है। हाँ अब इसका ब्याह कर डालो। बस हम यही सोच रहे हैं। बापू किसके ब्याह की है? बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते। जा भीतर जा, उससे बाद में बात करें। जा भाई। रामदीन। हाँ बिटिया तो मैंने देख ली, अब लेन देन की बातें पक्की करो और इस काम को निपटा ही डालो। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो। और बात क्या करनी है? अब तो समझो बिटिया तुम्हारे घर की लक्ष्मी हो गई। हाँ अच्छा मेरे ब्याह के पास से माँ बापू कितना खुश हो रहे हैं, तो क्या आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी? अब हमें आज्ञा दो और जैसा हाल समाचार हो बस इतवार तक हमें कहला देना। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अब जे तेरा खेलना कूदना बंद, क्या हो रहा है तेरा? अरे भगवान आज का दिन तो बड़ा शुभ है बापू मेरे ब्याह की। अरे बेटा घबरा मत, बड़ा अच्छा रिश्ता है। अरे, अरे उन्होंने खुद इसका हाथ मांगा है। हाँ नसीबों वाली है बेटी, वरना घर बैठे बिठाए ऐसे रिश्ते कहाँ आते हैं? और नहीं तो क्या। अरे लड़का पांचवी पास है, अब तो तुम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गई है ना। बस बिटिया तो वहां जाके राज करेगी राज। तुम तो जीजी को भी नसीबों वाली कहती थी ना, कच्ची उम्र में शादी करके क्या मिला?
भेज दिया भगवान के पास और अब मुझको भी। अरे बेटे वो तो किस्मत थी उसकी, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। हाँ हाँ किस्मत ही तो थी जो तुम जैसे माँ बाप मिले। देख लिया दो दिन स्कूल क्या भेज दिया, अब हम ही को पढ़ा रही है। अरे हम तो जिंदगी बना रहे हैं, इसकी जिंदगी। मुझे नहीं बनानी ऐसी जिंदगी। पढ़े लिखो को कुछ ज्यादा अकल आ जाती है क्या। हाँ हाँ आ जाती है, कविता उमा मीरा सभी कितने बड़ी हो रही है, उनकी माँ तो उनके ब्याह की बात नहीं करती। बस बस अब ज्यादा गिट पिट मत कर, दो चार महीने और पढ़ लेना उसके बाद तेरा ब्याह कर देंगे। शादी के लिए पसंद भी कर लिया। बहन जी मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। करने पर ही वह चल बसी थी। बहन जी मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो बहन जी। बरसों बाद पढ़ने की चाहत पूरी होने से मेरे जीवन में खुशियां आई थी, परंतु अचानक आए इस मोड़ से मेरे जीवन में फिर से गम के बादल छा गए थे। ही नहीं होते, उन्हें तो जैसे मेरे ब्याह का भूत सवार हो गया है। हे भगवान क्या हो गया तेरे पिताजी की समझ को, दाखिले के समय तो बड़ी विनती कर रहे थे। बहन जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ तू तो बहुत होशियार है, चल मैं बात करती हूँ तेरे माँ बापू से।
बहन जी आप आइए 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 बैठे ना आइए। रमिया ले पतासी को अंदर सुला दे। अरे सुनती हो? अरे जरा देखो नीचे कौन आया है, आ जाओ। हाँ बहन जी। हाँ, अब बैठिए। भाई साहब रमिया बता रही थी आप उसकी शादी कर रहे हैं। हाँ बहन जी बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, ज्यादा पढ़ लिख कर का करेगी, फिर कौन सा उसको अफसरी करना है, थोड़ा बहुत तो सीख ही गई है, बाद में तो उसको चूल्हा चौका ही करना है ना, तो अभी से संभाल ले। भाई वो अफसर क्यों नहीं बन सकती? अगर मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो क्या आज मैं अपने पैरों पे खड़ी रह पाती? ओहो, तो आप आ गई उसकी हिमायत करने। देखो बहन जी हमारी बेटी है, ब्याहेंगे नहीं? अम्मा मेरी बहन जी को बुरा भला मत कहो। बहन जी देखिए हिमायत तो उसकी करनी ही पड़ेगी, बहुत होशियार बच्ची है, पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी। हम गरीबों के बच्चे भी कभी कुछ बने हैं, मेहनत मजूरी करके पेट भर ले यही बहुत है। जो बनने का मौका न दोगे तो कैसे बनेंगे? मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी पढ़ लीजिए। यह वली चलाई बहन जी आपने तो, काम लड़की का ब्याह करने की सोच रहे और का आप हमारी पढ़ाई की बात कर रहे। अरे पढ़ना लिखना सीखना कहाँ की बुराई है, आप लोग भी पढ़ लिख जाएंगे तो रमिया को भी तो कितनी आसानी हो जाएगी। अब बहन जी कहाँ हमारी पढ़ने लिखने की उम्र रही, अब हमारे माँ बाप ने भी हमको पढ़ाया होता तो हम भी आपकी तरह मास्टर नहीं बन के भाषण झाड़ रहे होते। अरे तभी तो कहती हूँ जो गलती आपके माँ बाप ने की आपको ना पढ़ाकर उसे आप मत दोहराइए। और भाई साहब आप भी पढ़ लीजिए, अंगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करने लगेंगे। अब बहन जी इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या करेंगे, अरे आधी उम्र गुजर गई आगे भी गुजर जाएगी, अब तो बस रमिया का ब्याह कर दें तो गंगा नहा लेंगे। खैर भाई साहब वो रमिया बता रही थी उसकी बड़ी बहन भी। बहन जी दुखती रखो क्यों छेड़ती हैं? मैं दुखती रखो नहीं छेड़ती भाई साहब, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो गलती आप पहले कर चुके हैं अपने अनपढ़ होने की वजह से उसे अब मत दोहराइए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इस मास्टर ने भी दुखती रख को छेड़ दिया, लेकिन बात तो इसकी भी सच है, बच्ची को कुछ पढ़ा लिखा दिया होता हम भी कुछ पढ़ लिख लेते तो शायद आज मेरी राधा जिंदी होती। हंस खेल रही होती मेरी राधा। रमिया के ब्याह की बात तो कर ली, पर ठीक है नहीं है भगवान भरोसे। हे भगवान अब तेरा ही आसरा है, रमिया की किस्मत तेरे हाथों में है, बचा ले। रमिया की अम्मा तो फिर क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम ही सोचो क्या करना है। ए तो अंदर जा, बात तो बहन जी की भी सही है पर तुम ही बताओ जो अब ना करी इसकी शादी तो लड़का भी मिल जाएगा। बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो टाल देते हैं, बाद में इसकी किस्मत तुम्हारी जो मर्जी में आया करो। तो मना कर देता हूं। अरे भाई शादी ब्याह का मामला है, वो भी तो तैयारी में होंगे ना। ठीक है जैसे तुम ठीक समझो। हाँ मना ही कर देता हूं।
शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है, शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है, जीवन को महकाए पढ़े पढ़ाए पढ़े पढ़ाए। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है, शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है, जीवन को महकाए पढ़े पढ़ाए पढ़े पढ़ाए। कख गा से ही तो जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी शुरू होती है, शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है, शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है। शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है, शिक्षा सवेरा है वरना अंधेरा है, जीवन को महकाए पढ़े पढ़ाए पढ़े पढ़ाए। कख गा से ही तो जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी शुरू होती है, शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है, शिक्षा तो मोती है जीवन की ज्योति है। प्रधान जी जयराम जी की। जयराम जी की रामदीन, कहाँ जा रहे हो भाई? बस भैया ऐसे ही कुछ काम था घर का। भाई सुना है बिटिया की शादी कर रहे हो भाई, मिठाई विठाई कब खिला रहे हो? अब प्रधान जी आपसे कहा छुपाना, बस हमने अपना विचार बदल दिया है। दरअसल हमारी बिटिया आगे और पढ़ना चाहती है, कल उसकी मास्टरनी आई थी, कह रही थी बिटिया पढ़ने में बड़ी होशियार है, उसको आगे काहे नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम अभी शादी ब्याह नहीं करना चाहते हैं, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। हमारी घरवाली है ना, वो भी यही चाहती है। भाई हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था भाई, तुम्हारी बिटिया अभी छोटी है, शादी लायक नहीं है, एक धोखा पहले खा चुके हो, बार बार धोखा क्यों खाते हो? बस प्रधान जी गलती हो गई थी एक, अब क्या करें। चलो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अच्छा प्रधान जी मैं चलूं? अच्छा भैया। अच्छा जय राम जी। जय राम जी। अच्छा भैया राम राम। मेरे माँ बाप यदि पढ़े लिखे होते तो शायद वे ऐसा गलत फैसला कभी नहीं लेते, ये तो समय रहते उनको समझ आ गई और एक बार फिर से मेरी जिंदगी में आए गम के बादल छट गए। और इस तरह बहन जी की कृपा से मेरी शादी रुक गई।